हेलो फ्रेंड्स, नो इकोनॉमिक्स जानी अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन के नियम की और इसका उदासीनता वक्र यानी इंडिफरेंस कर्व के साथ क्या संबंध है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो का पार्ट टू है। अगर आपने वीडियो का पार्ट वन नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे जाकर जरूर देख लें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर जिसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं उसकी परिभाषा क्या है। तो परिभाषा कहता है कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर एक वस्तु की वह मात्रा है जिसे एक उपभोक्ता किसी दूसरे वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग के बदले छोड़ने को तैयार होता है, जिससे कि उसको मिलने वाली उपयोगिता का स्तर पहले जितना ही बना रहे। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को MRS लिखते हैं। यहाँ एक्स वाई का मतलब है कि x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के बदले y वस्तु की कितनी मात्रा छोड़ी गई है, यानी x में परिवर्तन की वजह से y में कितना परिवर्तन हुआ है। इसे हम डेल वाई बाई डेल एक्स की मदद से भी जान सकते हैं। यहाँ डेल वाई का मतलब है y में परिवर्तन की मात्रा और डेल एक्स का मतलब है x में परिवर्तन की मात्रा। यहाँ आप डेल वाई बाई डेल एक्स के बजाय डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, जैसा कि गणित के डिफरेंशिएशन में लिखा जाता है। बस ध्यान रहे कि x में परिवर्तन की वजह से y में परिवर्तन हो रहा है। परिभाषा को समझने से पहले मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कुछ अजम्पशंस हैं, मान्यताएं हैं, उसे भी देख लेते हैं। पहली मान्यता यह है कि जैसे जैसे व्यक्ति एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता जाता है, उस वस्तु के उपभोग के प्रति उसकी इच्छा घटती चली जाती है। मान लीजिए एक व्यक्ति के पास 5 सेब है। जब वह सेब खाना शुरू नहीं करता है तो सेब खाने के प्रति उसकी तीव्रता बहुत अधिक होती है। जब वह पहला सेब खाता है तो सेब खाने के प्रति उसकी तीव्रता या इच्छा थोड़ी कम हो जाती है। इस प्रकार जब वह दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सेब खाता है तो सेब खाने के प्रति उसकी इच्छा लगातार कम होती चली जाती है और एक समय ऐसा आता है जब उसका मन पूरी तरह से भर जाता है। यह मनुष्य की मनोवृत्ति है, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं अनंत है, पर किसी खास समय में किसी खास इच्छा को पूरी तरह से संतुष्ट किया जा सकता है। दूसरी मान्यता है कि जो वस्तु है वह पूर्ण प्रतिस्थापक ना हो, यानी उपभोक्ता जिन दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है उसमें थोड़ा ना थोड़ा अंतर हो, दोनों सेम वस्तु ना हो। अगर वस्तु सेम होगी तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर स्थिर हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी। तीसरी मान्यता है कि ये दो वस्तु जिसका उपभोग उपभोक्ता कर रहा है वह पूरक ना हो और एक के उपभोग से दूसरे से मिलने वाली उपयोगिता पर कोई प्रभाव ना पड़े। मान लीजिए कि उदासीनता वक्र में एक व्यक्ति के पास वस्तुओं का संयोग कुछ इस प्रकार है कि एक वस्तु आइसक्रीम है जो कि शुगर फ्री है, उसमें मिठास नहीं है, और दूसरा वस्तु साइक्रीन है जो कि आइसक्रीम को मीठा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब व्यक्ति ना तो केवल आइसक्रीम खा सकता है और ना ही केवल साइक्रीन खा सकता है, लेकिन जब वह इन दोनों को मिला देगा तो इस सम्मिलित उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ जाएगी, यानी कि आइसक्रीम खाने लायक हो जाएगा। ऐसे में जब व्यक्ति साइक्रीन का एक अतिरिक्त इकाई खरीदेगा तो वह आइसक्रीम की उपयोगिता को बढ़ा देगा, तब प्रतिस्थापन का नियम काम नहीं करेगा। तो ये कुछ मान्यताएं हैं जिस पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आधारित है। चलिए सूची की मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति के पास ए, बी, सी, डी और ई संयोग की वस्तुएं हैं जो कि व्यक्ति को समान संतुष्टि देती है। जितना संयोग ए संतुष्टि देता है उतना ही बी, सी, डी और ई भी संतुष्टि देता है। ए संयोग में एक एक्स वस्तु है और 12 वाई वस्तु है। जब व्यक्ति एक वस्तु की एक मात्रा बढ़ाता है तो संतुष्टि के उसी स्तर को बनाए रखने के लिए उसे वाई वस्तु की 4 मात्रा का त्याग करना पड़ता है, यानी एक वस्तु की एक अतिरिक्त मात्रा पाने के लिए वाई वस्तु की 4 मात्रा छोड़ने को वो तैयार हो जाता है। अब संयोग सी को देखिए, जहां व्यक्ति 3x और 5y का उपभोग करता है। यहां संयोग बी की अपेक्षा एक्स की एक अतिरिक्त इकाई को उपभोग करने के लिए y की 3 मात्रा छोड़ने के लिए तैयार होता है। इसी प्रकार संयोग डी ई को देखिए,
जहां भी x की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग के लिए y की क्रमशः 2 और 1 मात्रा छोड़ने को तैयार होता है। आप देख सकते हैं कि x की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग के लिए y वस्तु को छोड़ने की तीव्रता लगातार कम होती चली गई है, जैसा कि हमने पहली मान्यता में देखा था। अब यदि व्यक्ति x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के बदले y वस्तु की मात्रा नहीं छोड़ता है, तो वस्तुओं के हर अलग अलग संयोग में उसे मिलने वाली उपयोगिता का स्तर अलग अलग होगा। चूंकि हमें उपयोगिता के स्तर को हर संयोग में एक समान बनाए रखना है, इसलिए हर एक अतिरिक्त x पर y वस्तु की कुछ मात्रा छोड़नी पड़ती है। इस सूची में 4, 3, 2 और 1 सीमांत प्रतिस्थापन की दर को दिखलाते हैं, जो कि लगातार घट रही है। हिक्स और एलन ने जब यह सूची बनाई, तब उन्होंने कहा कि यह सूची व्यक्तियों से प्रत्यक्ष रूप से पूछकर ही बनाई जा सकती है कि एक व्यक्ति एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के बदले दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा छोड़ने को तैयार होता है। इसका और दूसरा कोई तरीका नहीं है। सूची में आप देख सकते हैं कि प्रतिस्थापन की दर घट रही है। शुरू में व्यक्ति एक अतिरिक्त एक्स के लिए 4y छोड़ता था, फिर एक अतिरिक्त एक्स के लिए y की 3 मात्रा छोड़ने को तैयार होता है, फिर x की एक अतिरिक्त इकाई के लिए 2 और 1 y की मात्रा छोड़ने को तैयार होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रतिस्थापन की दर ह्रासमान होती है, यानी ह्रासमान प्रतिस्थापन की सीमांत दर हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। देखिए, प्रतिस्थापन की दर तीन तरह की हो सकती है सैद्धांतिक तौर पर। पहला, घटती हुई या ह्रासमान प्रतिस्थापन की दर, जैसा कि हम जानते हैं। दूसरा, स्थिर प्रतिस्थापन की दर। तीसरा, बढ़ती हुई प्रतिस्थापन की दर। लेकिन बाद की ये दो, स्थिर और बढ़ती हुई प्रतिस्थापन की दर, अर्थव्यवस्था में व्यवहारिक नहीं है। गणितीय रूप से तो संभव है, पर अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्र के नजरिए से ये अव्यवहारिक है। इसलिए जब भी प्रतिस्थापन की सीमांत दर की बात अर्थशास्त्र के अंतर्गत की जाती है, तो इसका मतलब 99.9 बार ह्रासमान प्रतिस्थापन की दर या डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ही होता है। इसलिए जब कभी भी MRS XY लिखते हैं, तो माइनस डेल वाई बाई डेल एक्स नहीं लिखते, केवल डेल वाई बाई डेल एक्स लिख देते हैं। हालांकि कायदे से माइनस साइन लगाना चाहिए, पर चूंकि मैंने बतलाया कि अधिकतर बार जब भी हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो हमारा मतलब ह्रासमान प्रतिस्थापन की सीमांत दर से ही होता है। यह मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन XY MRS XY इज इक्वल माइनस डेल वाई बाई डेल एक्स में माइनस साइन उदासीनता वक्र के डाउनवर्ड स्लोप को बतलाता है। चलिए डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि संयोग A पर एक एक्स और 12y का उपभोग होता है। जब व्यक्ति एक अतिरिक्त एक्स का उपभोग करता है, यानी कि 2x का उपभोग करता है, तो y की 8 इकाई का उपभोग करता है। अब यदि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालना है, तो MRS XY इज इक्वल डेल वाई बाई डेल एक्स लिखना होगा, और यहाँ डेल एक्स का मतलब होगा x की मात्रा में परिवर्तन, यानी कि एक एक्स, और इस एक एक्स की वजह से y की मात्रा में जो परिवर्तन हुआ, यानी डेल वाई इज इक्वल 12-8 यानी कि 4, यानी MRS XY इज इक्वल 4/1। यदि x की एक एक मात्रा बढ़ाने के बजाय व्यक्ति x की दो दो मात्रा बढ़ाता जाता, तो यहाँ पर 4/2 लिखते। इस प्रकार आप b और c संयोग के बीच भी प्रतिस्थापन की दर निकाल सकते हैं। डेल y इज इक्वल 8-5 इज इक्वल 3 और डेल x इज इक्वल तो 1 होगा ही। इस प्रकार मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो 3/1 आता। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि प्रतिस्थापन की दर लगातार घट रही है, जिसे डायग्राम में त्रिभुज की मदद से दिखलाया गया है। अब यदि वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापक होती, जैसा कि दूसरी मान्यता में कहा गया है कि वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापक नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होनी चाहिए। यदि वस्तुएं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होती, यदि हम ऐसा मान भी लेते हैं, हालांकि एक बात जान लीजिए कि कोई भी दो अलग अलग वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापक कभी भी नहीं हो सकती,
चाहे वह पानी का बोतल ही क्यों ना हो। उनमें ब्रांड नेम और मार्केटिंग या विज्ञापन की वजह से भी एक मनोवैज्ञानिक भेद पैदा हो जाता है। लेकिन फिर भी मान ले कि वस्तु पूर्ण प्रतिस्थापक है, तो उदासीनता वक्र का ढाल कुछ इस प्रकार का होगा, यानी नेगेटिव स्लोप होगा और एक स्ट्रेट लाइन होगा। इसका मतलब होगा कि हर बार जब एक एक्स की मात्रा बढ़ाई जा रही है तो उतना ही यानी कि एक वाई वस्तु की मात्रा छोड़ी जा रही है। उदासीनता वक्र के किसी बिंदु पर प्रतिस्थापन की दर एक टेंजेंट लाइन या एक स्पर्श रेखा खींचकर आसानी से जाना जा सकता है। मान लीजिए पी बिंदु है जहां प्रतिस्थापन की दर ज्ञात करनी है, तो पी बिंदु को छूते हुए जी एच रेखा खींचते हैं। अब एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल ओ जी बाई ओ एच होगा। ओ जी बाई ओ एच उदासीनता वक्र के ढाल को बतलाता है। इसी प्रकार यदि हमें क्यू बिंदु पर प्रतिस्थापन की दर ज्ञात करनी है तो के एल स्पर्श रेखा खींचते हैं। अब एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल के ओ बाई ओ एल होगा, जो कि उदासीनता वक्र की घटती हुई ढाल को बतलाता है। ठीक इसी प्रकार आर बिंदु पर भी प्रतिस्थापन की दर ज्ञात की जा सकती है। वीडियो खत्म करने से पहले हमें प्रतिस्थापन की दर और सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध को भी समझ लेना चाहिए। चूंकि उदासीनता वक्र के हर बिंदु पर मिलने वाली उपयोगिता एक समान होती है, इसका मतलब है कि जब व्यक्ति एक वस्तु की एक अतिरिक्त मात्रा खरीदता है तो उससे उसकी संतुष्टि में जो वृद्धि होती है, उतनी वाई वस्तु की चार इकाई छोड़ने पर उसकी संतुष्टि में कमी हो जाती है। इसलिए वह संयोग बी में भी उसी संतुष्टि के स्तर पर रहता है जिस पर वह पहले था। यानी यहां जो डेल एक्स होगा वह मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स के बराबर होगा और डेल वाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई के बराबर होगा। इसका मतलब है कि एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। उदासीनता वक्र के पार्ट थ्री में हम उदासीनता वक्र के प्रॉपर्टीज और उसके शेप के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि इकोनॉमिक्स समझने में इस वीडियो से आपको थोड़ी मदद जरूर मिली होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है नए वीडियो बनाने में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।